चलिए बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की, जिसकी पूरी जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी विश्वमोहन। विश्वमोहन बताइए, आज कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन देखने को मिला? देखिए, पहले बुलियन मार्केट की बात कर लेते हैं। चांदी तो दायरे में कारोबार कर रही है, लेकिन गोल्ड में आज अच्छी तेजी। M6 गोल्ड की अगर बात करें तो यहाँ पर 300 रुपये से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। डॉलर इंडेक्स की बात करें 103 के लेवल के नीचे आ गया है। बॉन्ड डील की बात करें तो यहाँ पर भी आज नरमी का ही रुख है, 3.7% के आस पर US का 10-year बॉन्ड डील्ड है। अब देखते हैं महंगाई के आंकड़े किस तरह से आते हैं, उस हिसाब से अब बुलियन मार्केट की चाल बदल सकती है। लेकिन क्रूड मार्केट को लेकर अहम अपडेट ये है कि 26 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल स्ट्रैटेजिक रिजर्व से US में बेचने की तैयारी चल रही है। ऑलरेडी हम US में जानते हैं कि 1983 के बाद सबसे निचले स्तरों पर उनका SPR है, जो रिजर्व है वो है। ऐसे में अगर और बिक्री होती है, उस खबर से भी वहाँ पर दबाव बन रहा है। लेकिन एक और खबर ये भी आ रही है कि वहाँ के जितने भी मेजर शेल ऑयल टर्मिनल हैं, जहाँ से प्रोडक्शन होता है US में क्रूड ऑयल का, वहाँ पर अब रिकॉर्ड उत्पादन की संभावना जताई जा रही है। साथ ही टर्की में जो कुछ ऑयल टर्मिनल जो बंद थे, वहाँ पर भी अब धीरे धीरे सप्लाई बहाल हो रही। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो ऊपरी स्तरों पर अब दबाव बना रहे हैं, और आज के सत्र में 1-1.5% तक की गिरावट हम कच्चे तेल की कीमतों में देख रहे हैं। जी,